हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम पाउडर्स के बारे में बात करेंगे, लूज पाउडर, फिक्सिंग पाउडर, सेटिंग पाउडर, बनाना पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर। आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि इतने सारे पाउडर्स में से आप बिगनर हो तो कौन सा पाउडर लें और कौन सा पाउडर किस काम में आता है। तो सबसे पहले मैं एक डिफरेंट शेयर करना चाहती हूँ कि लूज पाउडर और फिक्सिंग पाउडर और सेटिंग पाउडर किसे कहते हैं। तो जो हमारे लूज फॉर्मुलेशन में आते हैं, यानी कि जो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं जिसमें पाउडर लूज रहता है यानी कि खुला रहता है या एस फॉर्म में रहता है, इसको हम लूज पाउडर बोलते हैं, इसी को हम फिक्सिंग पाउडर बोलते हैं, इसी को हम सेटिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास, इसे हम कॉम्पैक्ट पाउडर बोलते हैं, इसी में मिनरलाइज कॉम्पैक्ट पाउडर भी होता है और ये भी हमारे जो है मेकअप को सेट करने के काम आता है, फिक्स करने के काम आता है। और उसके बाद जो तीसरा होता है ये होता है हमारा बनाना पाउडर, जो कि थोड़ा येलो टोन का होता है, जिसमें थोड़ा सा डार्क शेड होता है या येलो कलर होता है। अब इन सब में बेसिकली क्या फर्क होता है, जो हमारा लूज पाउडर या ट्रांसपेरेंट पाउडर होता है ये भी हमारे फाउंडेशन को सेट करता है, लेकिन ये व्हाइट कलर का होता है तो ये नॉर्मल सेटिंग पाउडर होता है। जब ये स्किन के कलर जैसा होता है हमारे फाउंडेशन को सेट करता है, लेकिन ये व्हाइट कलर का होता है तो ये नॉर्मल सेटिंग पाउडर होता है। जब ये स्किन के कलर जैसा होता है तो ये हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर हो जाता है, यानी कि ये हर टाइप की स्किन पे चलता है। ये हमारा जो व्हाइट कास्ट का पाउडर होता है जिसमें व्हाइट कलर होते हैं, ये हमारे जो है फेयर, मीडियम टू फेयर स्किन पे जाते हैं। जो हमारे स्किन के कलर के जैसे पाउडर होते हैं वो हमारे मीडियम स्किन टोन पे जाते हैं। और जो हमारा बनाना पाउडर होता है, आपको देख के पता चल रहा है कि ये हमारे डार्क स्किन पे जाते हैं या अंडर आई को बेक करने के लिए, अंडर आई को सेट करने के लिए, जहां ज्यादा डार्क सर्कल होता है वहां हम बनाना पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उनपे हम बहुत मिनिमम पाउडर लगाते हैं, और हल्की कवरेज जिसमें चाहिए वो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर में जो है हल्की सी कवरेज भी होती है, ये आपके मेकअप को सेट करने के साथ साथ आपके फाउंडेशन की कवरेज को बढ़ा देता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि फिक्सिंग पाउडर, सेटिंग पाउडर और जो है बनाना पाउडर और हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या डिफरेंस है। एस्ट के बारे में बताया, फिक्सिंग पाउडर, लूज पाउडर, सेटिंग पाउडर। अभी मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्हें आप अपनी वैरायटी में रख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो भी आप अपनी वैरायटी में आसानी से अफोर्डेबल रेंज में रख सकते हो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो रिकॉर्ड का स्टूडियो जो है पाउडर है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें एक ऐसा नेट आता है जिस पर हम फिंगर से या ब्रश की बैक साइड से प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बाहर आता है। ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन को सेट करता है, प्लस ये वाटर प्रूफ है, पानी में मेल्ट नहीं होते हैं। अगर आप अपने मेकअप में इसको अप्लाई करते हो तो आपका मेकअप डेफिनेटली वाटर प्रूफ हो जाता है, वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है, 550 की रेंज के आसपास आ जाता है और काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल है। अगर आप बिगनर हो या फिर आप प्रो भी हो तो भी इसे आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन को सेट करता है, लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है, वाटर प्रूफ भी है, पानी डालोगे तो पानी बह जाता है, आपका फाउंडेशन मेल्ट नहीं हो जाता है। प्लस ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, 2 शेड में आता है, आप इसे रख सकते हो। फिक्सिंग पाउडर में जो दूसरा सबसे पॉपुलर नेम है वो है क्रायलोन का डर्मा कलर का फिक्सिंग पाउडर, बहुत ही बेहतरीन पाउडर है। इसका P2 शेड मेरे पास है और इसका मेरे पास बड़ा पैकेट भी है, छोटा जो है भी बॉक्स है, और ये सच में बहुत ही अच्छा और वाटरप्रूफ पाउडर है। अगर आप जो है बिगनर भी हो या अगर आप एक अच्छा पाउडर चूज करना चाहते हो, आप सिंगल पाउडर में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप P2 शेड ले सकते हो। ये लगभग एक्स्ट्रा डार्क स्किन को छोड़ के सारे स्किन टोन पे चला जाता है, फेयर पे भी चला जाता है, मीडियम पे भी चला जाता है। प्लस ये ऐसा पाउडर है जो लगाने के बाद इजिली ब्लेंड हो जाता है और कास्ट नहीं छोड़ता। मैं जितने भी पाउडर के बारे में बता रही हूँ ये सारे ही मैं यूज कर चुकी हूँ,
दो दो तीन तीन चार बॉक्सेस यूज कर चुकी हूँ तभी मैं इनका रिकमेंडेशन दे रही हूँ। इसका बड़ा साइज मेरे पास है, छोटे साइज में, छोटा साइज कुछ 800 रुपए के आसपास आता है और ये जो बड़ा साइज है आई थिंक ये आता है आपका 1400 रुपए के आसपास। P2 शेड का नाम है, डेफिनेटली आप इससे अपनी वैनिटी में रख सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है, हर स्किन टाइप पे चला जाता है और बहुत ही अच्छा और फ्लॉलेस रिजल्ट देता है, आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। ये है मेकअप स्टूडियो का जो है लूज पाउडर, इसका शेड नंबर है 1। मेरे पास ये दो पाउडर हैं और ये कुछ 2000 से अबव के MRP में आता है। बहुत आप देख सकते हो दोनों ही लगभग मैंने ख़त्म कर दी हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं। नंबर 1 शेड है मेरे पास, ये लगभग सारे स्किन टाइप पे चला जाता है। प्लस ये बहुत जल्दी स्किन में आपके फाउंडेशन के साथ में सेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, आपके बेस को बहुत हेवी और पैची नहीं करता है। प्लस इसकी सेटिंग बहुत फ्लॉलेस होती है, वाटरप्रूफ होता ही है, वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, पानी इसके ऊपर से निकल जाता है, ये पानी के साथ बहता नहीं है। थोड़ा सा कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा है बट अगर आप कुछ HD या फाइन वर्क चाहते हो अपने मेकअप के बेस को और फ्लॉलेस करना चाहते हो, क्राइलॉन भी बहुत अच्छा है लेकिन क्राइलॉन से ज़्यादा फाइन है ये। अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आप इसका एक शेड तो रख ही सकते हो, नहीं तो हर पाउडर में आपको 2 से 3 शेड मिल जाएंगे, आप उसे भी अपनी वारंटी में रख सकते हो। इसके बाद हम जो तीसरे जो है पाउडर पे आते हैं, ये आई मैजिक का प्रोफेशनल कॉस्मेटिक का लूज पाउडर है, हाई डेफिनेशन HD पाउडर, लूज हाई डेफिनेशन लूज पाउडर है और शेड नंबर 1 है और इस पर लिखा है नो कलर, यानी कि ये वाइट कलर का है लेकिन ये कोई कास्ट नहीं छोड़ता है। तो लगभग हर स्किन टाइप पे आप इसे यूज कर सकते हो, बहुत ही फाइन है, आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ फाइन पाउडर है ये, लेकिन मैं वाइट कलर का है कि हर स्किन टाइप पे चल जाता है, लेकिन सजेशन मैं यही देती हूँ कि अगर आपका काफ़ी डार्क स्किन टोन है तो आप इसे ना इस्तेमाल करें। इसमें एक और शेड आता है जो डार्क कलर का होता है, डार्क स्किन कलर का, उसे आप इस्तेमाल करें, वाटरप्रूफ है ये भी, पानी में आसानी से मेल्ट नहीं होता है लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी, बहुत फ्लॉलेस देता है। ये सारे पाउडर मैंने टेस्ट एंड ट्राई किए हैं, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसके 2 पाउडर हैं मेरे पास में बट दोनों का शेड सेम ही है, लगभग 650 की रेंज में आ जाता है, काफ़ी अच्छा है, बजट फ्रेंडली भी है, प्लस बहुत ही सैटिन और वेलवेटी इफेक्ट है और रीजनेबल है, आप अपनी वैरायटी में 100% इसे रख सकते हो, समर्स और विंटर्स दोनों सीजन में परमानेंट चलता है। जो मैं नेक्स्ट पाउडर के बारे में बताने वाली हूँ ये है LA गर्ल का प्रो पाउडर हाई डेफिनेशन सेटिंग पाउडर, बहुत ही अमेजिंग और वाओ वाला पाउडर है ये, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन है, कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, आप देख सकते हो कितना ही फाइन है, मतलब फिंगर्स पे भी नहीं आ रहा, आपके बेस को बहुत अच्छे से सेट करता है और प्लस इसका रिजल्ट बहुत ही वेलवेटी होता है, ऐसा लगता है कि सिलिकॉन बेस जो है पाउडर है, हाथ बिल्कुल मक्खन की तरह फिसलने लगता है, वाटरप्रूफ है ये भी, बहुत अच्छा है। प्राइसिंग थोड़ी सी हाई, क्वांटिटी कम है लेकिन ये आपको लगभग 1000 की रेंज में मिलेगा। बस इसका सिर्फ एक ही मेरे को जो है डिसएडवांटेज दिखता है कि अगर आपने किसी भी जगह पे इसको बिना सेट किए छोड़ दिया तो ये वाइट कास्ट छोड़ता है, अगर अंडर आई के नीचे आपने इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा दिया तो आपकी आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन जब आप कैमरे में देखोगे तो वो वाइट कास्ट नजर आएगा। अगर इस कॉन्स को छोड़ दें तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पाउडर यही, इतना फाइन, इतना बढ़िया, अगर किसी की स्किन टेक्सचर्ड है और आप इस पे ये वाला पाउडर लगाते हो अल्टीमेट रिजल्ट आता है उसकी स्किन, और प्राइमर से बेहतरीन काम मुझे लगता है कि ये वाला पाउडर करता है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। बट अब जिस पाउडर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये आज की डेट में सारे मेकअप आर्टिस्ट का बहुत फेवरेट है, लॉरा मर्सियर का पाउडर है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। इस पाउडर का मेरे पास में ये वाला शेड है, मीडियम शेड है, जो लगभग हर स्किन टाइप पे चल जाता है, वाटरप्रूफ है, बहुत ही फाइन पार्टिकल है इसके, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, हर स्किन टाइप पे चल जाता है, ब्राइड्स पे लगाओ, साइडल्स पे लगाओ,
कहीं भी लगा सकते हो, हर वेदर में लगा सकते हो। ड्राई स्किन है तो भी अल्टीमेट काम करेगा, ऑयली स्किन है तो भी अल्टीमेट काम करेगा। ना सिर्फ फाउंडेशन को सेट करेगा बल्कि फाउंडेशन को ग्लोई और बहुत बेहतरीन बनाएगा। आप किसी भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में देख सकते हो, लॉरा मर्सियर तो रहता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से अमेजिंग सा पाउडर है, आपको 2400 या 2000 से अबव मिलेगा, जैसा कि मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। लेकिन पाउडर अच्छा है, अगर आप अच्छे ब्राइडल्स और पार्टी मेकअप करते हो तो डेफिनेटली आप लॉरा मर्सियर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पाउडर है, मेरी साइड से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमें लाइक करें, शेयर भी कर दीजिएगा।